वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम बोर्ड परीक्षा का प्रश्न बैंक हल कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का, और इसमें फिजिक्स के दो लेक्चर आ चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम बात कर रहे हैं धारा विद्युत की, यूनिट सेकंड की, जिसमें से पूछा जाना है 12 नंबर का टोटल 12 नंबर का बोर्ड पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मज़ेदार यूनिट है, इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का भी एक आना है, 2 नंबर का भी आना, एक खाली स्थान आना है, एक बहुविकल्पी आना है, यानी ऐसे 12 नंबर का आना है। और फर्स्ट यूनिट में मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं इधर बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में से आना है टोटल 9 नंबर का, उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का बहुविकल्पी, ऐसे टोटल 9 नंबर का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। एक बात बता दें, कल बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे का शाम को फ़ोन आया था, रीवा का, उसका नाम है क्या, तो नाम है उसका घर का नाम है रिंकू, और हमने सेव किया है नाम उसका बच्चे का, एकदम से स्लिप हो गया, अभी याद आ रहा था, हमने रोहित वगैरह को बताया भी था, सुबह से बताया था रोहित वगैरह को कि ये रीवा का एक बच्चा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, रिवीजन करता है, इसमें से कह रहा था कि सर सुन लेते हैं तो बोलते नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ने वाले बच्चों की निशानी है, या सभी पढ़ने वालों के साथ होता है। कोई चीज़ अगर हम किसी के मुंह से सुन लेते हैं और ध्यान से सुनते हैं, और अगर उसके प्रति हमारी आस्था और बन रही है, तो फिर वो हम भूलते नहीं हैं, ज़्यादा समय तक याद रहता है। चलिए सुनिए। हाँ, किसी चालक में विद्युत प्रवाह काय के कारण होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, काय के कारण होता है। किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। दूसरे क्वेश्चन में अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। तीसरा क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में समान क्या होता है। श्रेणी क्रम जब हम बना देते हैं प्रतिरोधों का, तो इनमें एक जैसी चीज क्या जाती है, बताइए क्या होता है एक जैसा। इनमें से बच्चों विद्युत धारा एक जैसी प्रवाहित होती है, जो धारा यहाँ से जाती है वही धारा पहले प्रतिरोध में से जाती है, वही धारा दूसरे प्रतिरोध में से जाती है। क्यों जाती है बताइए, धारा चलने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। तो कहने का मतलब है तीसरे में ऑप्शन है दूसरा वाला सही, जिसमें होगा धारा या विद्युत धारा। चौथा है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, बच्चों 4 गुना, ऑप्शन 4 में दिया। चौथे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है, देखिए मज़ेदार बात क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे होता है, अगर किसी तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाया जाए तो उसका नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना हो जाता है, और एन कैसे निकलता है, बाद की लंबाई बटे पहले की लंबाई। और लंबाई को दो गुना कर दिया, मतलब दो ऊपर एक नीचे, है ना, पहले लंबाई x थी, बाद में 2x हो गई, x से x काट दो, n बराबर 2 आया, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगर 10 गुनी कर दी लंबाई तो प्रतिरोध 100 गुना हो जाएगा। खींच कर बढ़ाई जाए लंबाई तो, और वैसी बढ़ाई जाए तो, वैसी कैसे, ये वायर है लंबाई दुगुनी कर दी तो प्रतिरोध दुगुना होगा, लेकिन इसी वायर को खींच दिया, खींच के लंबाई को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वैसे में क्षेत्रफल भी कम होता है। डिटेल में बाद में समझाएंगे, इधर फटाफट सॉल्व करवा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, ओमीय प्रतिरोध है, संधि डायोड नहीं है, प्रकाश उत्सर्जक नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है। चौथा, तांबे का तार जे ओम के नियम का पालन करता है। ठीक, छठवां ऑब्जेक्टिव है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। बच्चों विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, सबको मालूम है। अब खाली स्थान भरना है, खाली स्थानों में पहला खाली स्थान है रिक्त स्थान। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है, बच्चों वोल्ट प्रति मीटर, क्या वोल्ट प्रति मीटर ऐसा ही मात्रक होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, विभव मापी में यूज होता है इस चैप्टर के अंदर, ये विभव प्रवणता। अगला खाली स्थान है विभव मापी की संतुलित स्थिति में इसका प्रतिरोध, संतुलन की स्थिति में विभव मापी का प्रतिरोध कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है, उसमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम काय पर आधारित है। वास्तव में प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला नियम,
किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु काय के सिद्धांत पर काम करता है बताइए? मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? मीटर सेतु, व्हीट स्टोन सेतु मतलब पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस पे काम करता है मीटर सेतु। ठीक, अगला विद्युत धारा कैसी राशि है? सदिश की आदेश। बच्चों ये कैसी राशि है? आदेश। अगला विद्युत धारा का जो घनत्व तो है वो कैसी राशि है? वो सदिश राशि है भाई, मतलब धारा घनत्व तो सदिश राशि है और विद्युत धारा आदेश राशि है। खाली स्थान होगा, ये हो गए। इस बार में पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो जिन बच्चों ने साल भर पढ़ भी लिया है तो अपने आप को बहुत होशियार मत समझो, क्योंकि आप पूरे होशियार कभी नहीं हो सकते, कोई दुनिया में नहीं हो सकता पूरा होशियार, है ना। हम नहीं हो सकते, कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। तो आपसे खूब अच्छा भी बनता है तो अच्छी बात है, आप क्या करो फिर से सुन लो एक बार, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है तो वीडियो की रफ्तार ज़्यादा कर लो, सवा गुने डेढ़ गुने ज़्यादा पे करके सुन लो तो फटाफट हो जाएगा। आधा घंटा का वीडियो 20 मिनट में सुन लोगे आप। पूरा चैप्टर बोल रहे हैं भाई इसमें हम। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे लंबाई व ताप अपरिवर्तित रहे तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती V। फिर इसी को पलट के लिख देते हैं, ऐसा हो जाता है V बराबर आई आर। यही ओम का नियम है। इतना पूरा लिख देना, वीडियो को रोक के दोबारा सुन लो जैसा हमने बोला है, है ना। इधर जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपन। आर क्या है? आनुपातिक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत सेल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत सेल क्या है भाई? वही युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सेल कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों को फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता, एक बार खराब हुए तो फेंकना पड़ता है। द्वितीयक सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है, रिचार्जेबल, जैसे मोबाइल में बैटरी लगी रहती है, रिचार्जेबल होती है। ठीक, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तीसरा क्वेश्चन है, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध क्या हैं? उदाहरण देकर बताइए। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, जैसे धातुएं एवं मिश्र धातुएं लेकिन कम ताप पर। अनओमीय प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध या ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इनके लिए V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। कैसा? इधर देखो, जो ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध में V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ, अगर हम V बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी, सरल रेखा होता है। और अनओमीय जो होते हैं ये कैसे होते हैं भाई? V बढ़ाओगे आप तो धारा बढ़ेगी, थोड़ी दूर तक बिल्कुल भी धारा ना मिले, फिर इस तरह से मिलने लगे, ऐसी मिलने लगे, तो ये कैसे हैं? अनओमीय। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनओमीय विद्युत परिपथ या अनओमीय चालक कहलाते हैं। जैसे संधि डायोड, अभी ऊपर लिखा था, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक से बना कोई भी विद्युत उपकरण, ये सभी क्या होते हैं? अनओमीय हैं। ओमीय प्रतिरोध केवल कौन से हैं? धातुएं और मिश्र धातुएं, वो भी कम ताप पर, बस। फिर आगे, मोटर गाड़ी स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? जब गाड़ी हम चालू करते हैं पहले से लाइट जल रही हो, ठीक, तो गाड़ी के अंदर जो बैटरी लगी है पूरा फुल विभवांतर किसको मिल रहा है? लाइट को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अब हम गाड़ी चालू करते हैं, वास्तव में गाड़ी चालू कैसी करनी चाहिए? लाइट पहले नहीं जलानी चाहिए, तो काल्पनिक क्वेश्चन की लाइट पहले से जल रही है गाड़ी की और फिर हम गाड़ी चालू कर रहे हैं, है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा, चालू छूट जाती है अपनी लाइट और आके हम फिर सेल्फ लगाते हैं, फोर व्हीलर स्टार्ट करते हैं, टू व्हीलर कोई भी, तो एकदम से तेज़ी से करंट पास होती है, तेज़ी से करंट पास होती है गाड़ी चालू करने के लिए, ठीक।
बैटरी से जब तेजी से करंट पास होती है तो सूत्र V बराबर E माइनस IR के हिसाब से बैटरी का विद्युत वाहक बल तो फिक्स है, पहले धारा कम जा रही थी तो उसको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही थी, अब धारा का मान बढ़ जाने से वोल्टेज का मान कम हो जाता है। ठीक है, जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाता है, हेडलाइट गाड़ी की थोड़ी मंद पड़ जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न, तीन अंकों वाले प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं भाई, तीन अंकों वाले प्रश्नों में पहला क्वेश्चन क्या है इसका, भाई आप पूरे आराम से वीडियो सारे देखते रहे ना, आगे पीछे ढूंढ ढूंढ के हम एक प्लेलिस्ट में बना देंगे, इसको प्लेलिस्ट बना देंगे मध्य प्रदेश बोर्ड की प्रश्न बैंक, ठीक है, ऐसा करके तो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 जैसे हम अगले एक हफ्ते के अंदर ये पूरा लेकर आ रहे हैं, एक ही दिन में कर सकते हैं हम, लेकिन एक दिन का वो क्या थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, एक एक दिन में एक एक यूनिट पढ़ते चलो। ठीक, पहला है तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालो। तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध कौन कौन से, इनने कहा है R1, छोटा R1 कहा है, अपन तो बड़ा R1 लेते थे, है ना, एक प्रतिरोध R2 है, एक प्रतिरोध R3 है, इधर क्या लगा दिया, कोई सेल लगा दिया, एक चटकनी लगा ली, ये विभवांतर V लगाया, विद्युत धारा I हो गई। ठीक, तो सब पे विभवांतर अलग अलग आएगा, क्यों आएगा विभवांतर अलग अलग, क्योंकि हमें मालूम है V बराबर I इंटू R होता है, होता है कि नहीं होता, V बराबर आई आर। ठीक, तो टोटल विभवांतर कुल मिला के तीन जगह बट गया, बट गया कि नहीं बट गया, अब पहले पे आने वाला विभवांतर क्या है, धारा गुणित इसका प्रतिरोध, दूसरे पे आने वाला विभवांतर क्या है, धारा गुणित इसका प्रतिरोध, अरे बड़ा आर लिखना हो तो आप लोग बड़ा आर लिख लेना, क्वेश्चन में स्मॉल आर लिखा है तो हमने स्मॉल आर लिख दिया है, फिर वी थ्री बराबर क्या आएगा, वी वन निकाल लें तो आई इंटू आर वन, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर थ्री, I इंटू आर थ्री, और ये सब हटा के अगर एक प्रतिरोध लगाएं तो वो कहलाएगा आर एस, आई इंटू आर एस, वी की जगह I काट दो पूरे में से, क्या आ गया आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही अभीष्ट व्यंजक है। हो गया बच्चों, श्रेणी क्रम समूहन का यही अभीष्ट व्यंजक है, इसमें थोड़ी भाषा लिख देते हैं, कैसे, माना आर वन आर टू आर थ्री प्रतिरोध के तीन चालकों को विभवांतर V के किसी सेल के साथ चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, माना परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कैपिटल I है, स्पष्टतः सभी प्रतिरोधों में से बराबर धारा या समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जबकि उनके सिरों पर आने वाले विभवांतर अलग अलग होंगे, माना विभवांतर V1 V2 V3 है, इस तरह से। ठीक है, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि आप तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लो, कैसे जोड़ दें बच्चों, तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लें, समांतर क्रम में जोड़ लें तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लें, ये विभवांतर भी हो गया, ये चटकनी हो गई। ठीक, विद्युत धारा आई तीनों जगह बढ़ जाएगी, अलग अलग रास्ते हैं ना, जबकि ये विभवांतर भी देखो, ये माइनस प्लस डायरेक्ट इससे जोड़ा है, डायरेक्ट इससे भी जोड़ा, डायरेक्ट इससे भी जोड़ा, तो विभवांतर सभी के सिरों पर आने वाला बराबर होगा, पिछले वाले में धारा एक जैसी थी, अब की बार में विभवांतर एक जैसा है, तो कुल मिला के अब की बार क्या बदल गया, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अब की बार कुल धारा बट गई तीन जगह, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो गया, और आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी बटे आर करते हैं, तो आई वन कैसे आएगा, वी बटे आर वन, आई टू क्या आएगा, वी बटे आर टू, जे क्या आएगा, वी बटे आर थ्री, और ये सब हटा के अगर एक लगा दें तो क्या आएगा, वी बटे आर पी, आर पी को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समांतर क्रम समूहन का तुल्य प्रतिरोध।
ठीक, वी काट दो पूरे में से, भाग कर दीजिए, एक बटे आर पी बराबर एक बटे आर वन धन एक बटे आर टू एक बटे आर थ्री, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो ये समानता क्रम समूहन हो गया बच्चों, समझ में आ गया सबको? भाई इसमें थोड़ा हम फास्ट चलाएं, नहीं तो आप कहो कि सर आप कैसे पढ़ाते हो। अगर आपको अच्छे हमारा पढ़ा नहीं देखना है तो पुराने वीडियो देखो कोई, जब हम इस टॉपिक को पहली बार समझा रहे होते हैं तब हम इसको रुक के थोड़ा हमारा फ्लो स्लो होता है, आराम आराम से समझाते हैं। इधर अब एक लेक्चर में पूरा धारा विद्युत पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, सुनते रहिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक, कैसे? मान लिया कोई एक प्रतिरोध है R, इसको हमने विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R के सेल के साथ जोड़ दिया, चटकनी लगा ली। इसमें मान लो विद्युत धारा I प्रवाहित हो गई और विभवांतर इस पे आया है V, ठीक। तो हमें मालूम है चूंकि कुल धारा कैसे निकाली जाती है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है बताएगा कोई? इतना बाहर लगा है और इतना अंदर है, सेल के अंदर ही है इतना, तो ठीक। तो सिंस करंट इक्वल्स टू क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल E है, कुल प्रतिरोध कितना है R, ये है और स्मॉल R ये है, तो R प्लस R, ठीक, ये आ गया। त्रिक गुणा कर दीजिए, I इंटू R प्लस I इंटू R इक्वल्स टू E, बटे में एक लिख लें इसको, ठीक है। अब I इंटू R क्या होता है, V होता है कि नहीं होता है, ओम्स लॉ से, ओम के नियम से होता है V बराबर I R, ये बढ़ दिया, और यहीं से निकाल लो I बराबर, I बराबर क्या आएगा V बटे R, तो इधर बढ़ दिया आपने V बटे R, चलेगा इतना? क्या करना क्या था, दे इसमें करना क्या था क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, हो गया। विद्युत वाहक बल E, विभवांतर V और आंतरिक विद्युत धारा आ गया संबंध, है ना? तो V बटे R इंटू R बराबर E माइनस V, ठीक, त्रिक गुणा करते हैं, V इंटू R बराबर ऐसा, V से भाग कर दो, तो ये आ गया क्या, E बटे V, ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, ठीक, E बटे V, E माइनस V अपॉन V, अब V इसके बटे में भी आएगा, इसके बटे में भी आएगा, क्या बन गया बच्चों ये E अपॉन V माइनस वन, ये क्या है भाई, अभीष्ट व्यंजक है, यही पूछा गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया तीन नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई इसमें, चौथा क्वेश्चन है, किसी कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, कितना है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली बड़ी से बड़ी धारा क्या हो सकती है, तो इतनी हो सकती है भाई कि कोई बैटरी जे है तो सबसे बड़ी धारा ये हो सकती है कि डायरेक्ट आप तार जोड़ दो इसमें तो सबसे तेज करंट चली जाएगी, लेकिन तब भी इसका प्रतिरोध आर तो इसके साथ जुड़ा ही रहेगा, यानी जो अधिकतम धारा होगी वो क्या होगी, ई बटे आर, यानी 12/4, तो ये काट दो आप कितना, 120/4, 30 × 4 = 120, 30 एम्पियर की अधिकतम धारा ली जा सकती है इससे बैटरी से, ठीक। पांचवा क्या है, धारा और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, अनुगमन वेग को बोलते हैं अपवाह वेग, क्या है भाई हमारा क्वेश्चन है कि कोई चालक है, इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों के
अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित करो तो आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, मालूम है हमारे बच्चों को, है ना। अनुगमन वेग वी डी, अनुगमन वेग, या इसको बोलते हैं हिंदी में एक और शब्द है अपवाह वेग, इंग्लिश में है बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो ये निकालना है अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध, इसको निकालना है। क्या क्या होता है बताइए इसमें। जैसे ही बैटरी लगाई जाती है तो इसमें विद्युत क्षेत्र बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बनता है प्लस से माइनस, इधर को बन जाता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, जिस नियत औसत वेग को कहा जाता है क्या, अनुगमन वेग। ठीक, और इसी के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एन क्या है, एन है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। व्हाट इज स्मॉल एन, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और ए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए आइए देखिए, स्पष्टता t समय में प्रवाहित आवेश, चालक के किसी एक बिंदु से हम देखें कि t समय में कितना आवेश प्रवाहित हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर को तो धारा इधर को, है ना, तो कैसे आएगा बताइए। कुल आयतन कितने, कितना कुल आयतन इलेक्ट्रॉन, कितने आयतन के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए, तो ये हो गए ए इंटू वी डी आयतन के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित। ये कैसे निकाला, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और वी डी इसका अनुगमन वेग है, जैसे हमने कहा कोई 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा कि नहीं। तो ऐसे ही हम बोले कि अनुगमन वेग अगर वी डी मीटर प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, वी डी चलेगा। तो ये हो गई दूरी वी डी और ये हो गया इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये बन गया बेलन। क्या बन गया बच्चों, बेलन बन गया, 1 सेकंड में चली गई दूरी, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए पाई आर स्क्वायर एच ए इंटू वी डी, इतने आयतन के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन थे एन, तो इतने आयतन में इतने होंगे। एक इलेक्ट्रॉन लेता है चार्ज ई, तो इतने इलेक्ट्रॉन इतना आवेश ले जाएंगे। ये तो 1 सेकंड में हो रहा था, टाइम टी में इतना होगा। ठीक, तो इतना आवेश कुल प्रवाहित होगा टी समय में। अब चूंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो इसमें से टी काट दो आप, बताओ क्या बचा, बताओ क्या बचा, टी काट दो इसमें से, एन ई ए वी डी बचा कि नहीं बचा, एन ई ए वी डी। ओके, जय हिंद। हाँ, फिर क्या है भाई, अब आ गए बड़े प्रश्न, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ गए। 5 नंबर के क्वेश्चन क्या है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन कीजिए। मीटर सेतु की सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से, तो पहला क्या है, विद्युत परिपथ का चित्र। मीटर सेतु कैसा होता है बच्चों, एक पटिया होता है, होता है पटिया कि नहीं होता, फिर इसमें एक तार लगा होता है जो कि 1 मीटर लंबा होता है, एग्जैक्ट कितना होता है 1 मीटर। इधर 2 पत्ती लगी रहती हैं एल आकार की, एक पत्ती इस तरफ से लगी रहती है, एक पत्ती इस तरफ से लगी रहती है, लगी रहती कि नहीं लगी रहती है, एक पत्ती बीच में लगी रहती है ऐसी। ठीक, इधर पे प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है, रेसिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, इधर पे अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ा जाता है एस को, जो निकालना होता है, इधर पे धारा मापी को जोड़ा जाता है, इसके साथ जॉकी को जोड़ा जाता है, इधर पे सेल जोड़ा जाता है ए और सी के बीच में, सॉरी ये सी होता है, और एक चटकनी जोड़ी जाती है। अब एक चीज और रह गई इसमें, अभी एक स्केल लगा रहता है इस तार के दोनों तरफ, क्या लगा रहता है बच्चों, स्केल डबल साइडेड, ऐसा ऐसा रीडिंग लेने के लिए, 0 से 100 तक शुरू होता है एक तरफ और एक तरफ, इधर से 0 से 100 तो इधर 100 से 0,
संतुलन लंबाई पढ़ने के लिए। तो ये हो गया चित्र, हो गया बच्चों इतना तो आप लोग समझ गए विद्युत परिपथ का रेखा चित्र सिद्धांत, यह मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, ये पॉइंट होता है बी, क्या होता है बी, और ये पॉइंट होता है डी। ठीक, तो पहला हो गया विद्युत परिपथ का रेखा चित्र, ये बन गया। दूसरा पूछ रहे हैं सिद्धांत, तो यह मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है जिसके हिसाब से P बटे Q बराबर R बटे S होता है। अब P यानी होता है भुजा AB का प्रतिरोध, भुजा AB का प्रतिरोध कितना है, मान लो संतुलन लंबाई L है, कितनी है L, तो भुजा AB का प्रतिरोध जो है वो P है, तो ये होगा कितना L इंटू एक्स, L लंबाई का प्रतिरोध L इंटू एक्स, एक्स क्या होता है तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तो L लंबाई का प्रतिरोध L इंटू एक्स, इस तरफ लंबाई कितनी बची 100 माइनस L, इस तरफ कितनी बची 100 माइनस L, तो वो उतनी लंबाई का प्रतिरोध है, तो इंटू एक्स आ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। भुजा AB का प्रतिरोध इधर देखो, मैं दिखा देता हूँ फिर से, ऐसे बनता है ना मीटर सेतु, यही है बच्चों मीटर सेतु, यहाँ पे धारा मापी लगा रहता, ठीक है, एक की लगी रहती, ये मीटर सेतु है ए बी सी डी, ये पी क्यू आर एस, देखो भुजा ए बी का प्रतिरोध पी होता है, तो ए बी का पी होता है कितना हो गया एल इंटू एक्स हो गया, भुजा बी सी का क्यू होता है, बी सी का क्यू होता है, तो इधर कितना बचा, ये टोटल 100 सेंटीमीटर था, एल निकल गया, इस तरफ जो बचा वो बचा कितना 100 माइनस एल बचा इंटू एक्स बराबर आर, प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया जो अज्ञात प्रतिरोध एस, समझ में आ गया, एक्स एक्स कैंसिल, एस बराबर क्या आ गया 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, यही अभीष्ट व्यंजक है, हो गया। तो सिद्धांत और सूत्र की स्थापना, तो सिद्धांत में लिख दिया कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, तो सूत्र की स्थापना जो हो गई। अब इसमें और भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग डिटेल में पढ़ो कि सावधानियां क्या होती हैं, है ना, फिर इसकी परीक्षण सारणी कैसे बनती है। ठीक, अभी जो पूछा गया उतना मैंने बता दिया जल्दी जल्दी में, ठीक, दब रही, चलिए आगे क्वेश्चन है इसका दूसरा, 5 नंबर का, ये न्यूमेरिकल दिख रहा है बड़ा सा। विभव मापी तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर लेक्लांसी सेल संतुलित होता है, मतलब पहले संतुलन लंबाई है 280 सेंटीमीटर विभव मापी पर, जब इस सेल को श्रेणी क्रम में एक डेनियल सेल के साथ जोड़ दिया जाता है, पहले एक सेल अकेला 280 पर संतुलित हो रहा है, फिर उसके साथ श्रेणी क्रम में कोई और आ गया, ठीक, तो ये मान लो E1 था, ठीक, संतुलन लंबाई है। दूसरी स्थिति में ये कह रहे हैं कि जब इसके साथ श्रेणी क्रम में एक और सेल जोड़ दिया गया, तो इसके लिए संतुलन लंबाई L2 आई, और संतुलन लंबाई क्या 480 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई बच्चों 480 सेंटीमीटर पे आई। ठीक, तो विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर होता है X इंटू L, क्या होता है X विभव प्रवणता होती है, तो इसके लिए E1 कितना आएगा, E1 आएगा बच्चों 280X, और जब दोनों मिल गए तो दोनों को मिलके कितना आएगा E1 प्लस E2 बराबर कितना आएगा 280 लिखे हैं इसको, ये आएगा 480X। फिर पूछा क्या गया है हमसे, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, तो भाई ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, इसका मान इसमें भर दो आप तो क्या हो जाएगा, या इसमें से इसको माइनस ही कर दो, चलो 2 में से 1 को माइनस कर दें, तो E1 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में बचा E2 और राइट में क्या बचा 480, तो ये बचा 200X। ठीक है, अतः E1 बटे E2 क्या आ जाएगा बताओ जरा, E1 है कितना 280X और E2 है 200X, 200X से X कट गया, 0 कट गया, और 4 7 28 4 5 20 क्या आया 7:5, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है ये होगा 7:5। बस बच्चों इतना ही पूछा गया है कि क्या कीजिए, तुलना करके बता दीजिए, ठीक है, हो गया। चलो
फिर पूछ रहे हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत अनुसार जब सेतु संतुलन में होता है तो उसकी किन्हीं दो आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटे Q बराबर R बटे S। ये है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। फिर इन्हें क्या कहा है कि इसको सिद्ध भी कर दो, अभी ले दो मिनट में, ठीक अभी सिद्ध हो रहा है दो मिनट के अंदर। ABCD याद रखना, हमेशा AC के बीच में सेल जुड़ता है और BD के बीच में धारा मापी जुड़ता है। मान लिया धारा मापी में जाने वाली धारा IG है, ठीक। चलो ये प्रतिरोध P, ये प्रतिरोध Q, ये प्रतिरोध R, ये S, कुल धारा I चल रही है मान लीजिए, तो ये दो जगह बट गई, धारा I1 हो गई और धारा I2 हो गई, क्लियर। अब I1 धारा में से IG निकल गई तो कितनी बची बताइए, I1 माइनस IG बची, और ये इधर जुड़ गई I2 में तो ये कितनी हो गई बताइए, इधर I2 प्लस IG हो गई, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है लिखिए एवं स्थापित कीजिए, इसको सिद्ध भी करना है, आ जाओ जरा सिद्ध हो जाए जरा, बड़ा सा क्वेश्चन है ना। संध ये देखिए आप, बंद लूप ABDA, बंद लूप ABDA में ये दिख रहा है सबको, KVL से माने किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, समेशन I into R बराबर समेशन E। तो I into R, I1 इधर से चल रहा है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक। तो धारा का और प्रतिरोध का गुणा I1 into P, धारा की दिशा में चल रहे थे इसलिए प्लस, फिर नीचे को आए धारा की दिशा में इसलिए क्या इधर भी प्लस। जी क्या है, जी ले रहे हैं हम धारा मापी का प्रतिरोध, कैपिटल जी धारा मापी का प्रतिरोध ले रहे हैं। फिर ऐसे चल गए, ऐसे चल गए, आप चल रहे हैं धारा के विपरीत, तो इसको लेना पड़ेगा माइनस I2 इंटू क्या R बराबर, कोई भी सेल नहीं है इतने पूरे चक्कर में इसलिए ये आया जीरो। अब कहा गया कि यदि सेतु संतुलित हो, क्या है बेटा, यदि सेतु संतुलित हो अतः IG बराबर जीरो। सेतु संतुलित हो इस बात का मतलब है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही, इधर विद्युत धारा प्रवाहित तो हो ही नहीं रही, ठीक। तो IG बराबर जीरो, इसलिए क्या बन गया I1P माइनस I2R बराबर जीरो, ये खत्म हो गया I1P बराबर I2R, तो ये आ गया I1 बटे I2 बराबर R बटे P, समीकरण नंबर एक हो गया जी। ये क्या हो गया भाई, इसमें लगाया हमने KVL, किरचॉफ का दूसरा नियम, अब हम इस तरफ लगाते हैं KVL, ठीक। तो क्या बोले, अब बंद लूप BCDB में KVL से इसमें लगा दीजिए किरचॉफ का दूसरा नियम, तो समेशन I into R बराबर समेशन E, तो इधर धारा और प्रतिरोध का गुणा करो, धारा कितनी है I1 माइनस IG और प्रतिरोध कितना है Q प्लस, इधर तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए अपन, तो प्लस नहीं लेंगे, क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे, कितनी धारा है I2 प्लस IG इंटू प्रतिरोध कितना है S, इधर भी अपोजिट में तो माइनस IG इंटू G बराबर इधर भी जीरो, क्यों जीरो, कोई सेल ही नहीं है, एक भी सेल नहीं है तो विद्युत भाग बल नहीं है। अब यदि सेतु संतुलित हो अर्थात IG बराबर जीरो, तो IG को शून्य कर दो इसमें पूरे में, तो क्या बनेगा I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, ये जीरो हो गया, तो ये आ गया I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, इसलिए I1 बटे I2 बराबर S बटे Q, ये समीकरण नंबर दो आया। अब एक और दो को आप देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है I1 बटे I2 है, यहाँ पे भी I1 बटे I2 है,
मतलब हमने ये कहा, क्या कहा कि समीकरण एक व दो से क्या आ गया, एस बटे क्यू बराबर आर बटे पी। बोर्ड दिख रहा है पूरा, थोड़ा देखना नीचे का दिख रहा है, हाँ ये आ गया। अब त्रिक गुणा कर दो, जे इधर चला जाएगा, जे इधर चला जाएगा, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। पानी तो ले आओ गिलास। पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस इति सिद्धम। ये क्या हो गया भाई, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत सिद्ध हो गया। फिर क्या चौथा, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए और उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, साल भर में आपसे भले खूब पढ़ा है, सब बनता है, लेकिन एक एक बार ये पढ़ लोगे तो और मेमोरी पक्की हो जाएगी, पेपर में भूलोगे नहीं, अचकचे आओगे नहीं, गलती नहीं करोगे। हाँ, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। किरचॉफ के नियम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों की व्याख्या करने हेतु दो नियम प्रस्तुत किए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। एक होता है प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम का नाम धारा संबंधी नियम भी होता है या संधि नियम भी होता है। दूसरे नियम का नाम वोल्टेज संबंधी नियम या विभव संबंधी नियम या लूप लॉ भी होता है। चलिए बताते हैं प्रश्न क्रमांक चार जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो पहली बात तो इसके नाम जान लो आप, प्रथम नियम या संधि नियम या धारा संबंधी नियम। कैसा नियम है ये किरचॉफ का, धारा संबंधी नियम, KCL बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है, इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदुओं पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। मतलब कोई संधि बिंदु है, ठीक, इस पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं इनका बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। What do you mean by बीजगणितीय योगफल? ये I1, I2, I3, I4, I5, I6 छह लिख दिए, अगर नहीं दिख रहे हैं I1, I2, I3, I4, I5, I6, ठीक। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि संधि बिंदु पर कुल धारा शून्य होती है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धन का लिया जाता है। तो इसमें चार धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, देख लीजिए आप, I1, I2, I3, I4, संधि यानी ये बिंदु O, और I5 इससे दूर जा रही है और 6 दूर जा रही है, तो I5 को ऋण का लेना है और I6 को ऋण का लेना, सबका टोटल 0, बीजगणितीय योगफल। अब ये धन और ऋण ऋण बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये यहीं पे लिख दें, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। फिर पक्षांतर करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ऋण वाली उस तरफ चले जाएंगे तो ये धन हो जाएंगे, यहीं पे हो गया, ले हो। मतलब अंदर की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग बाहर की ओर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कोई भी आवेश संचित नहीं होता, जितना आवेश आता है उतना आवेश प्रति सेकंड जाता है, ठीक। प्रथम नियम हो गया, समझ में आ गया। द्वितीय नियम या इसको बोलते हैं लूप लॉ या लूप नियम या बोलते हैं विभव संबंधी नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये केवल बंद परिपथ में लागू होता है। प्रथम नियम खुले और बंद दोनों परिपथों के लिए लागू होता है। द्वितीय नियम केवल बंद परिपथ के लिए लागू होता है। इस नियमानुसार क्या होता है, इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद भाग में या बंद लूप में समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योगफल, विद्युत उसमें के उसके विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है।
मतलब ऐसे समझ लीजिए समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योगफल बराबर समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल। मतलब द्वितीय नियम ये कहता है समेशन ई बराबर समेशन वी, और वी को कहते हैं समेशन आई इंटू आर, ये है। लेकिन इसमें चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कैसे, ई जो है विद्युत वाहक बल, इसको या तो हम धन का लेंगे या ऋण का लेंगे, धनात्मक कब लेंगे ऋणात्मक कब लेंगे ये समझना पड़ेगा। तो सेल में जब हम छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाएंगे तो इसको धन का लेंगे, और बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाएंगे तो इसको ऋण का लेंगे। डंडा से बताए तो कभी भूलते नहीं है, सुनिए, जब हम ऋण से धन की ओर चलते हैं तो इसको धन का लेते हैं, और धन से ऋण की ओर चलते हैं तो ऋण का लेते हैं। और धारा के लिए क्या करते हैं, धारा के लिए धनात्मक लेते हैं अगर कहाँ चलेंगे, दिशा में चलेंगे तो, और धारा के लिए ऋणात्मक लेंगे अगर हम इसके विपरीत चलेंगे तो। ठीक, आप इसको कोई पूछे कि बता देना, पांडे जी पी के पढ़ाते हैं ना क्लास में, सीधे पीते हैं फिर पढ़ाते हैं, हाँ लेकिन सेंटेंस पूरा कर देना, पानी पीते हैं बीच बीच में। तो कहाँ गए हम, इसका उदाहरण बताना है, चलिए आ जाओ। एक सेल ऐसा लगा दिया, एक सेल ऐसा लगा लिया, एक प्रतिरोध लगा लिया, एक सेल लगा लिया, एक और प्रतिरोध लगा लिया, एक और लगा लिया, इस टाइप का कोई परिपथ बना लिया, उदाहरण बता रहा है ए बी सी डी ई एफ, इसका विद्युत वाहक बल ई वन है, ई टू है, ई थ्री है, ई फोर है, प्रतिरोध आर वन है, आर टू है, आर थ्री है। यहाँ मान लो धारा आई वन प्रवाहित हो रही है, इधर धारा आई टू हो रही है, और इधर धारा आई थ्री हो रही है, तो इतना रास्ता एक ही है तो धारा पूरे में आई थ्री रहेगी, इतना रास्ता एक है तो पूरे में I2 रहेगी, और इस पूरे में I1 रहेगी। ठीक, तो उदाहरण देखिए इस नियम का, हाँ बंद परिपथ में लगेगा तो कोई एक बंद परिपथ ले लो, बता देते हैं, हाँ बंद परिपथ A B C F A में, ये 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 इसमें चले जाओ KVL से, क्या लगाओ इसमें KVL लगाओ, तो KVL लगाएं तो क्या होगा भाई, क्या होगा बताइए, इसमें KVL से क्या होगा, इसमें बच्चों समेशन E इक्वल टू समेशन I इंटू R, सारे सेल देख लो कितने हैं, E1, E2 और E3 तीन सेल हैं, लेकिन इसमें चल रहा है प्लस से माइनस, तो इसको लेंगे हम माइनस का, दूसरे में चल रहा है माइनस से प्लस तो इसको लेंगे प्लस का, तीसरे सेल में लग चल रहा है प्लस से माइनस तो इसको लेंगे माइनस का, बराबर आई इंटू आर, धारा के चल रहे हैं विपरीत दिशा में तो I1 इंटू R1 लेकिन माइनस का, और अगले वाले में भी धारा की विपरीत दिशा में I2 इंटू R2, लो जो हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम लगा के बता दिया, ऐसे नीचे के में लग जाएगा। एक और बता दें, चलो एक और बता देते हैं, बंद परिपथ, अब ऐसे घूम लो, ऐसे घूम लो, अब है ना, अब ऐसे घूमे थे FEDCF में, FEDCF में इसमें क्या होगा, एक सेल प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस का लेना पड़ेगा, दूसरा सेल वो भी माइनस का लेना पड़ेगा, बराबर आई इंटू आर, धारा विपरीत चल रहे हो तो माइनस की लेनी पड़ेगी I3 R3, इधर भी विपरीत चल रहे हो तो माइनस का लेना पड़ेगा I2 R2, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित थे प्रथम नियम, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, और क्या बचा भाई, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है,
खत्म ही नहीं हो रहा भाई ये तो, है ना। पूरी यूनिट भी तो लेने के बैठ गए अपन एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में करने के लिए, हो जाएगा है ना। थोड़ा दशक मिनट और लगेंगे हमें लगता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। हाँ जी, है दमदार क्वेश्चन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। चलिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और एल लंबाई के किसी धात्विक चालक के सिरों के मध्य विभवांतर वी लगाया गया जिससे इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगी और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगे। अनुगमन वेग कैसे गति करने लगे बच्चों? वीडी से गति करने लगे, ठीक। और विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ होता है? विद्युत क्षेत्र प्लस टू माइनस होता है, यहाँ को होता है, ठीक। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। इलेक्ट्रॉनों के जो माध्य तापीय वेग हैं वो यू वन यू टू यू थ्री डेव डेव डैश, प्रति एकांक आयतन में नहीं, कुल इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इसमें एन है, तो उनके वेग यू वन यू टू यू थ्री डेव डेव डैश यू एन है, ठीक। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा उस बल का मान कितना होगा? एफ बराबर क्यू इन टू ई से। इलेक्ट्रॉन का आवेश E, विद्युत क्षेत्र J, और अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस? इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्लियर। अब इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा? बल बटे द्रव्यमान, तो इस पर द्रव्यमान का भाग कर दें। J इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, इतना त्वरण हर इलेक्ट्रॉन पर है। माना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल T1 T2, माना इन इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल क्रमशः इतने इतने हैं, ठीक। तो पहले श्रांति काल में, पहला अपने श्रांति काल T1 में पहला इलेक्ट्रॉन कितना वेग प्राप्त कर लेगा? तो V बराबर U प्लस AT से पहले इलेक्ट्रॉन का जो वेग आएगा U1 प्लस वेक्टर A T1, T की जगह T1 लेंगे, U1 ए अभी हम बाद में इकट्ठा भर देंगे, ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा? U2 प्लस वेक्टर ए T2, और ऐसे nवें इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा बताइए? गति का प्रथम नियम है बच्चों, ये तो जानते होंगे ना, वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो वेक्टर आ जाएगा ये सब। ऐसा nवें इलेक्ट्रॉन का आएगा, ये आएगा nवें इलेक्ट्रॉन का, ठीक। अब अनुगमन वेग की क्या है परिभाषा? अनुगमन वेग की परिभाषा है कि नियत औसत वेग, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नियत औसत वेग इलेक्ट्रॉनों का, तो इनका निकालना पड़ेगा औसत, ठीक। तो चूंकि वीडी क्या होता है, इन सब का क्या है? वीडी क्या है बच्चों? इनका औसत है, तो इन सबको जोड़ रहे हैं और n का भाग दे रहे हैं। तो देखो U1, U2, U3, डेफ डेफ डैश UN हम अलग जोड़े दे रहे वेक्टोरियल फॉर्म में, UN ये जुड़ गए बटे n प्लस A T1, A T2, A T3, A T n, ठीक। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, A T1, T2 और ऐसे कर करके कहाँ तक? T n तक, वो पूरे के बटे में n, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर को लिख देते हैं। U1 U2 डेव डेव डैश UN बटे n प्लस वेक्टर a कॉमन ले लिया, T1 T2 प्लस ये कहाँ तक? T n बटे n। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का माध्य तापीय वेग तो शून्य होता है, कोई चालक वस्तु को छूने पे हमें करंट थोड़ी लगते है, घड़ी बांधे करंट नहीं लग रहा है, जबकि इसके इतना इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहे हैं। करंट इसलिए नहीं लग रहा कि इनका औसत वेग शून्य है, ठीक, माध्य तापीय वेग। अब जो हो गया इलेक्ट्रॉन का क्या? माध्य श्रांति काल, ये आ गया टाउ, ये आया अनुगमन वेग। अब ए कितना निकाला था भाई? माइनस ई बटे एम इंटू टाउ। तो बच्चों ये तो आ गया वेक्टोरियल फॉर्म में अनुगमन वेग का सूत्र, लेकिन
अगर इसको हम संख्यात्मक ले लें अकेला तो ऐसा होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा? अब E क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभवांतर बटे दूरी। विभवांतर V लगाया गया है सेल पे, उसकी लंबाई है L चालक की, तो V बटे L इधर आएगा, V बटे L E V बटे एम एल टाउ। ये तो आया अनुगमन वेग, ये नहीं निकालना था हमें। पांच नंबर का वैसे ये भी फुल क्वेश्चन बनता है कि अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आ जाए तो इधर तक कर आना ठीक, लेकिन इसमें पूछा गया है कि ओम का नियम निकालो ठीक। ओम का नियम बताते हैं अपन अभी, देखो जरा एक मिनट और रुक जाओ ठीक। चूंकि आई बराबर अभी पढ़ा अपन ने क्या एन ई ए वी डी पढ़ा कि नहीं, वी डी का मान भरो यहाँ पे क्या आ रहा, एन ई ए वी डी का मान क्या है ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, तो क्या बन गया जे एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ बटे एम एल इंटू वी। आई आया ऐसा, इसलिए वी बराबर क्या आ गया एम एल बटे एन ई स्क्वेयर टाउ ए इंटू आई। एम एल ऊपर चले गए, एन ई स्क्वेयर ए टाउ नीचे आ गया, ये आ गया कि नहीं आया? अब इसमें देखो अगर लंबाई और ताप नियत रहे, क्या यदि चालक की लंबाई ना बदले, मतलब एल ना बदले, चालक जितना लंबा है उतना ही लंबा रहे, लंबाई बदलते हैं तो क्षेत्रफल बदलता है, पतला होता है या मोटा होता है, तो लंबाई नहीं बदलेगी तो क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, और ताप ना बदलेगा तो शांतिकाल नहीं बदलेगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बदलेगी नहीं, आवेश द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। मतलब यदि लंबाई व ताप नियत हो, अगर ये नियत हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए बराबर होगा नियत, ये होगा नियतांक, और इसी को हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, चालक का प्रतिरोध। इसलिए V बराबर आ गया आई आर, या V समानुपाती I, या I समानुपाती V, यही ओम का नियम है। आ गया ठीक, तो ये प्रथम सिद्धांत से भी कहलाता है, निकल गया है भाई है ना। चलो थोड़ा सा और बचा, आज पूरा ही कर दो, आज कहने को रह ना जाए कि सर एक क्वेश्चन छूट गया था कि दो छूट गए थे पिछले वाले में, अपना वो छूट गया है अभी क्या, वन डी ग्राफ आ जाओ स्पीड में कर ही दें इसको भी। विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन करो। आ जाओ, विभव मापी का चित्र जब भी बनता है तो ये क्या बड़ा सेल ऊपर लगाया जाता है, एक रियोस्टेट या धारा नियंत्रक लगाया जाता है, ये विभव मापी तार होता है, दो सेलों की तुलना करनी है तो एक सेल जोड़ा एक और सेल जोड़ा, इधर पे एक दुई मार्ग की कुंजी जोड़ी, ये धारा मापी जोड़ा ये जॉकी जोड़ी। मान लो पहले सेल के लिए जो L1 पे संतुलित हुई, फिर इसको उठाया अपन ने यहाँ से दूसरी जगह ले गए J डैश, इसके लिए जो L2 पे संतुलित हुई ठीक, ये क्या है कुंजी, ये कैसी लगाई भाई हमने इधर, देखो इसको लगाएंगे तो ये सेल E1 नप जाएगा, इसका विद्युत वाहक बल नप जाएगा, इसको हटा के अगर हम ये वाली लगाएंगे ये वाली तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल नप जाएगा ठीक। तो ये तो हो गया विद्युत चित्र, हो गया सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। चूंकि हम जानते हैं कि विभवमापी का सिद्धांत ये होता है, इसलिए पहले सेल के लिए क्या आएगा एक्स एल वन, दूसरे सेल के लिए क्या आएगा एक्स एल टू, अतः एक में दो का भाग कर दो तो क्या हो जाएगा ई वन बटे ई टू बराबर, ये कट गया एल वन बटे एल टू हो गया। फिर कहा प्रेक्षण सारणी बनाओ, प्रेक्षण सारणी बना दो, आ जाओ प्रेक्षण सारणी कैसे बन जाएगी, दो तीन बार करते हैं ना कैसे, इसके लिए अपन L1 निकालेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे L1 निकालेंगे, फिर L2 निकालेंगे, और E1 बटे E2 जो करेंगे वो आएगा L1 बटे L2। ये प्रैक्टिकल दो तीन बार किया जाएगा, यहाँ पे इसको माध्य निकाल दिया जाएगा, माध्य E1 बटे E2 आ गया, आंसर आ गया ख़त्म। ये कैसे L1 बदलेगा कैसे, L2 बदलेंगे कैसे,
पहले अपन क्या करेंगे, रियोस्टेट को यहाँ पे जो धारा नियंत्रक है इसके सेट करके E1 को संतुलित कर लेंगे, E2 को संतुलित कर लेंगे, तो L1 L2 निकल आएंगे जी, निकल आया। फिर अपन इसको खिसका देंगे थोड़े आगे या पीछे कहीं पे भी, तो L1 भी बदल जाएगा, L2 भी बदल जाएगा। फिर खिसका देंगे, फिर कर देंगे, 3-4 बार कर लेना, जितने बार मानो उतने बार कर लेना, फिर E1 बटे E2 करके निकल आएगा। बच्चों ये रिवीजन है, याद रखना इस बात को आप लोग, है ना। पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं, पूरा कॉन्सेप्ट से सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग हमें बदनाम कर दो कि पांडे जी बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बड़ा बड़ा पढ़ाते हैं। ये रिवीजन है, किसी को कोई दिक्कत है तो मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन लगाइए, मैं पर्सनल बात करूंगा, और दिक्कत होगी आपको तो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। इस नंबर पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। और अभी 12th की क्लास कुछ ही दिन में हम शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने जान पहचान वालों को बता दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि हाँ पांडे जी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स के लिए रिकमेंड कर दीजिए। और उनके लिए हम एक ग्रुप बना के YouTube के थ्रू या Zoom ऐप पे 12th का सिलेबस पूरा अच्छे से करवा देंगे। हो गया। फिर विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींच कर समझाइए, इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो विभव मापी का सिद्धांत समझाना है, आ जाओ भाई। विभव मापी का सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत तो ये कहता है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी की विभव प्रवणता व संतुलन लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये विभव मापी का सिद्धांत है, ये इसका चित्र बन गया। ठीक, सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं ये कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि विभव मापी की सुग्राहिता का क्या मतलब है। सुग्राहिता का मतलब है कि ये कम से कम विद्युत वाहक बल को नाप सके, कम से कम वोल्टेज को मेजर कर सके, सेंस कर सके। तो विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय, नंबर एक क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता के मान को कम करके, एक्स को कम करके, एक्स कम होगा तो ये बढ़ जाएगी, क्या सुग्राहिता बढ़ जाएगी। अब x कम कैसे होगा, तो तार के सिरों पर कम विभवांतर लगा के, लेकिन ये तो दिक्कत की बात है, विभवांतर कम हम लगा नहीं सकते, I into R/L। और I क्या होता है, धारा, I पूरे सर्किट की धारा है ऊपर की, ये मान लीजिए E' है, तो I लिख रहा हूँ मैं E' / R, इसका प्रतिरोध, R उसका खुद का प्रतिरोध, RH इसका प्रतिरोध, जे है आई। आई कैसे निकला, कुल विद्युत वाहक बल ई, और इस पूरे का प्रतिरोध, कुल का पूरे का प्रतिरोध कितना, इसका प्रतिरोध कैपिटल आर, इसका आर है तो इसका खुद का स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, इनटू क्या, आर बटे एल। तो सबसे इफेक्टिव जो तरीका होता है विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने का, वो होता है तार की लंबाई को बढ़ाकर। सुग्राहिता बढ़ेगी जब उसकी विभव प्रवणता घटेगी, विभव प्रवणता कब घटेगी, जब तार की लंबाई बढ़ेगी। तो आंसर में आप लिखेंगे कि विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ाकर इसकी सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो ईमानदारी से कि नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग इसको इतना फैला दो, पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाए, है ना, मध्य प्रदेश भर के बच्चे इसको पढ़ लें, जबकि दूसरे राज्यों में भी फैल जाए। फिजिक्स तो वहाँ पे भी होगी, क्वेश्चन बैंक तो सब जगह ही, मध्य प्रदेश बोर्ड का पेपर कह रहे हैं कि इसी में से बनने वाला है, अगर पेपर इसमें से बन गया तो अपनी तो चांदी हो गई, चांदी कि सोना, और भी रह गया क्या इसका, हाँ नहीं हो गया भाई ये। ठीक, तो अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, ये लेकर आते हैं। प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, है ना। अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, सो शेयर करना मत भूलो, जितने जान पहचान में लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबके लिए भेज दीजिए वीडियोस को। इनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए आप, उस पर कुछ वीडियोज़ हैं स्थिर विद्युत के हैं, कुछ धारा विद्युत के हैं, तो उसके अंदर देखिए, डिटेल में मिलेगा। अगर आपको तब भी डाउट होता है आप फ़ोन लगाइए, मैं डायरेक्ट आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। कोई फीस नहीं है इसकी कि आप हमसे पूछोगे तो हम आपसे पैसे मांगने लगेंगे कि पैसे दो फिर बताएंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास में।